आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सिंह राशि का स्थान ज्योतिष ग्रंथ में पांचवें नंबर पर आता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है। इस राशि के लोग कैसे होते हैं और इनकी दूसरी राशि के जातकों के साथ कैसा रिलेशन रहता है, वीडियो में आज हम यही सब जानेंगे। सिंह राशि शेर का प्रतीक है। इस राशि के लोगों का स्वभाव आत्मविश्वास और नेतृत्व वाला होता है। इस राशि के लोग बहुत शक्तिशाली और बलवान होते हैं। सिंह राशि वाले बहुत ही साहसी होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों की किन किन राशियों के साथ बनती है एवं किन राशियों के साथ नहीं बनती है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। जहां तक सिंह राशि एवं मेष राशि की अनुकूलता की बात करें तो हम आपको बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। मेष और सिंह ये दोनों ही राशि अग्नि को संबंधित करती हैं। ये दोनों ही राशियां मजबूत और साहसी हैं। जब इन दो राशि के लोग मिलते हैं, जोश के साथ प्यार की शुरुआत हो जाती है। इन राशि के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ ही एक दूसरे की देखभाल करते हैं। इन दोनों राशि के लोग अपने में ही लगे रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं आप कि यह सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको पब्लिक की नज़र में आना और सराहना मिलना बहुत पसंद है। लेकिन इन दो राशि के लोग अगर साथ हैं तो जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। जहां तक सिंह एवं मेष राशि की मैरिड लाइफ की बात करें तो इनकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों ही कई चीज़ों में कॉमन है। सिंह और मेष दोनों ही को लाइमलाइट में रहना पसंद है। दोनों ही राशि के लोग रोमांटिक हैं। दोनों ही एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये दोनों राशि के लोग अपने लिए एक अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। सिंह और मेष राशि वाले एक दूसरे के लिए एक बेहतर ऑप्शन हैं। एक दूसरे के लिए इन दोनों में बहुत ही चीज़ें समान हैं, जो उनके रिश्ते को बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। जहां तक सिंह राशि की वृषभ राशि से अनुकूलता की बात की जाए तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षित होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। सिंह और वृषभ राशियों के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। वे दोनों ही सुरक्षा, वफादारी और ईमानदारी को अधिक महत्व देते हैं, और यह सारे गुण उनके द्वारा साझा किए जाने वाले लगभग हर रिश्ते में मौजूद होते हैं। वृषभ और सिंह राशियों के लोग किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा बड़े उत्साह के साथ करते हैं। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जहां तक सिंह एवं वृषभ की शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो इनकी जोड़ी बेस्ट साबित हो सकती है। ये दोनों किंग और क्वीन की तरह ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। ये दोनों की शांत होते हैं स्वभाव से, इसलिए इनकी जोड़ी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। वे दोनों अपने रिश्ते को लेकर ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। जहां तक सिंह एवं मिथुन राशि की अनुकूलता की बात करें तो हम आपको बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं।
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, वहीं मिथुन राशि वायु यानी कि एयर को संबंधित करते हैं। सिंह राशि अग्नि यानी कि फायर को संबंधित करते हैं। वायु अग्नि को बढ़ाती है और इस राशि के जातक के अंदर दृढ़ निश्चय, उत्साह और तेज होता है। सिंह और मिथुन दोनों ही राशियों के लोग साथ में मिलकर दोस्ती और लगाव का एक मजबूत बंधन बनाते हैं। ये दोनों चंचल प्रेमी होते हैं और मौज मस्ती की एक सामान्य भावना साझा करते हैं। जहाँ तक सिंह राशि एवं मिथुन राशि की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो उनका रिश्ता बिना किसी बड़ी परेशानी और वाद विवाद के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सिंह और मिथुन की जोड़ी एक बेहतरीन मेल हो सकता है। मिथुन के बातचीत करने का अंदाज सिंह को पसंद आता है। अगर इनके बीच कोई वाद विवाद होता है तो यह मिलकर अपने विवाद को निपटा लेते हैं। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। जहाँ तक सिंह की कर्क राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। कर्क राशि के लोग भावनात्मक होते हैं, अपने घर और परिवार को महत्व देते हैं। कर्क राशि वाले ज्ञानी होते हैं। वह घर में आ रही समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाते हैं। यह राशि जल यानी कि वाटर को संबोधित करती है। सिंह राशि यानी कि अग्नि को संबोधित करती है। जल अग्नि को शांत करता है। जहाँ तक सिंह एवं कर्क राशि की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम एक ज़रूरत है। हर समय अपने साथी से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि वे उनसे प्रेम करते हैं। उन्हें अपने साथी से बहुत लगाव रहता है। कर्क ऐसी संबंधों को स्वीकार करते हैं जिनमें उन्हें गंभीरता और स्थिरता नजर आए। इनकी जोड़ी बेहतर चलेगी और एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। जहाँ तक सिंह राशि की सिंह राशि से अनुकूलता की बात करें तो हम आपको बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इनके सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। सिंह और सिंह के बीच डीप अट्रैक्शन दिखने को मिलता है। वह एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे फूल की ओर भंवरा। सिंह और सिंह राशि रिश्ते में बैलेंस बनाने में माहिर होते हैं। वे लव, रोमांस और केयर करने वाले होते हैं। इनके लव अफेयर्स अच्छे चलते हैं। सिंह राशि वालों को सिंह राशि वालों से एक नज़र में ही प्यार हो जाता है। जहाँ तक सिंह राशि की सिंह राशि से शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो सिंह और सिंह की जोड़ी राशि के अनुसार बहुत ही परफेक्ट नज़र आती है। इनका साथ एक दूसरे के लिए काफ़ी है। यह रॉयल जीवन जीना पसंद करते हैं। इन दोनों में ही भरपूर पॉजिटिव एनर्जी है और एक साथ होकर ये दोनों कई मुश्किलों का हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। जहाँ तक सिंह राशि की कन्या राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। कन्या राशि के लोग बातों से विनम्र होते हैं और एक सच्चे मित्र साबित होते हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सिंह राशि वाले अग्नि को संबोधित करते हैं, वहीं कन्या राशि वाले पृथ्वी को। कन्या राशि वालों का स्वभाव सिंह राशि वालों से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ तक सिंह एवं कन्या राशि की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो इनका रिश्ता दोनों के अलग स्वभाव के होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं चलता। अगर चल भी जाए तो आपस
में टकराव होता ही रहता है, लेकिन इन राशियों के लोग अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते, एक दूसरे के प्रति हमेशा लॉयल रहते हैं। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। जहां तक सिंह राशि की तुला राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है, यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। तुला राशि वायु यानी कि एयर को संबोधित करते हैं। तुला राशि वाले इनके लिए अच्छा करना चाहते हैं, यह विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं। सिंह और तुला राशि के लोगों में बहुत सी समानताएं हैं, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। अच्छे जीवन साथी होने के साथ साथ यह अच्छे दोस्त भी होते हैं। जहां तक सिंह एवं तुला राशि की शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो आपको बता दें कि हवा और अग्नि का रिश्ता जुनून और उत्साह से भरा होता है। सिंह और तुला की जोड़ी का रिश्ता एक सुंदर और बेस्ट लव लाइफ में से एक हो सकता है। इनके बीच आसानी से प्यार और दोस्ती हो सकती है। इनकी जोड़ी एक परफेक्ट जोड़ी की मिसाल है। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। जहां तक सिंह राशि की वृश्चिक राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें कि सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है, यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। वृषभ राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। वृषभ राशि जल यानी कि वाटर को संबोधित करती है। सिंह और वृषभ राशि वालों को अगर अपने रिश्तों को आगे लेकर जाना है तो त्याग करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक सिंह एवं वृषभ राशि की शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो इनका जीवन खट्टे मीठे अनुभवों से भरा होता है। उन्हें किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से भिड़ना पड़ता है। हालांकि वे दोनों प्रेम के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। कुल मिलाकर इनका जीवन एक सुखद जीवन रहता है। जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन उसको सही बनाने के लिए इनको मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। जहाँ तक सिंह राशि की धनु राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम आप बता दें कि सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है, यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। धनु और सिंह दोनों ही राशि अग्नि को संबोधित करती हैं। ऐसे लोगों एक मिनट में एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते हैं। ये दोनों ही राशि बहुत ताकतवर हैं, एक दूसरे के साथ दोनों बहुत रोमांटिक भी रहते हैं। ऐसे लोग सोशल और अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं। जहां तक सिंह और धनु की शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो ये दोनों ही रोमांच पसंद करते हैं और अपने रिश्ते में लगातार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों अपने लिए नई दुनिया बसाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये दोनों अपनी एक अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। दोनों ही राशियां अग्नि की हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। अगली राशि की है मकर राशि। जहां दोस्तों सिंह एवं मकर राशि की जहां तक अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें कि सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है, यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि धरती को संबंधित करती है। मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, अपने काम के लिए समर्पित और वफादार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसकी वजह से ये महान अनुशासनशील बनते हैं। इस राशि के व्यक्ति जिस भी कान को चुनते हैं उस क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचते हैं। जहां तक सिंह एवं मकर राशि की शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो आपको हम बता दें कि दूसरों की तरफ
काफ़ी हद तक यह अलग होते हैं, क्योंकि सिंह राशि के लोग एग्रेसिव होते हैं, वहीं मकर राशि के लोग हर चीज़ को धीरे धीरे और परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। ये दोनों की जोड़ी नहीं बनती, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंह और मकर की जोड़ी एग्रेशन और पेशेंस का शानदार मेल हो सकता है। दोनों एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से बैलेंस करने का काम करते हैं। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, जहां तक सिंह राशि की कुंभ राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ वायु से संबंध रखते हैं। कुंभ राशि के लोग चिंतनशील और थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। किसी काम को करने की ठान लें तो पूरा करके ही छोड़ते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद आता है। इन दोनों राशियों को अपना रिश्ता बनाकर चलने के लिए अहंकार और मैं को पीछे छोड़ना पड़ता है। जहां तक सिंह राशि की कुंभ राशि से शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो वायु और अग्नि से संबंध होने की वजह से वायु यानी कि कुंभ राशि वाले सिंह राशि वालों को भड़का सकते हैं। मतलब कुंभ सिंह का आकर्षण उनके प्रेम की अग्नि में घी डालने का काम कर सकता है। दोनों लाइफ को किसी रोलर कोस्टर की तरह जीना पसंद करते हैं। उन्हें अपने रिश्ते में लगातार नयापन अच्छा लगता है। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। जहां तक सिंह राशि की मीन राशि से अनुकूलता की बात करें तो आपको हम बता दें, सिंह राशि के लोगों में नेतृत्व करने का गुण होता है। यह हर काम में आगे रहते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, इनको सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सिंह राशि के लोगों का व्यक्तित्व बेहद जोशीला, उत्साहित और आकर्षक होता है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपने वर्क स्पेस और अपने दोस्तों के बीच सम्मान पाते हैं। सिंह राशि अग्नि को संबंधित करती है, वहीं मीन राशि जल को। सिंह राशि के लोग स्ट्रांग होते हैं, वहीं मीन राशि वाले शांत होते हैं। एक दूसरे से अलग नेचर होने के कारण यह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जहां तक सिंह राशि की शादीशुदा बात करें जिंदगी की मीन राशि वालों से, तो आप हम बता दें कि सिंह इस रिश्ते के लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि वाले छोटे मोटे आपसी विवादों को भूल कर अपना जीवन सुखी बनाते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो इन राशि वाले का रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक सा चलता है, कुछ खास नहीं चलता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।